हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शादाब ग्राफिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो सऊदी में रहने वाले सभी भाइयों के लिए है कि किस तरीके से वो अपने अलराजी बैंक के एटीएम कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, वो भी बिना बैंक जाए। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जब आप अपने अकाउंट को रिन्यूअल कराते हो तो आपको अपना अलराजी बैंक का एटीएम कार्ड भी अपडेट करना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से बिना बैंक जाए अपना एटीएम कार्ड अपडेट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी अपने एटीएम कार्ड को अपडेट कर सकें, और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अलराजी बैंक के इस कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करनी है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको उसी नंबर से कॉल करनी है जो नंबर आपका बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। जैसे ही आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो सबसे पहले कंप्यूटर आपको कुछ लैंग्वेज सेलेक्ट करने के ऑप्शन देगा। अगर आप अरबी लैंग्वेज अच्छे तरीके से जानते हैं तो आप यहाँ पर 1 प्रेस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर 2 प्रेस करके इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो कोई बात नहीं, जो ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ आपको बस वही सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर कंप्यूटर आपको ये 5 ऑप्शन देगा, जिनमें से सबसे पहला ऑप्शन टू एक्सेस पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज यू ऑलरेडी रजिस्टर प्रेस 1। दूसरा ऑप्शन आपको यह देगा टू स्टॉप लॉस्ट एंड स्टोलन कार्ड प्रेस 2। अगर आपका कार्ड हो गया है या फिर चोरी हो गया है तो आप ये सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन इफ यू वांट टू रजिस्टर प्रेस 3। चौथा ऑप्शन टू लोकल कंप्लेंट प्रेस 4। और पांचवा ऑप्शन टू अपडेट आईडी डाटा प्रेस 5। तो यहाँ पर आपको 5 नंबर प्रेस करके टू अपडेट आईडी डाटा ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। ध्यान दे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 5 नंबर ही प्रेस करना है। उसके बाद कंप्यूटर आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएगा, फिर बोलेगा टू कंटिन्यू प्रेस 1। आपको 1 प्रेस करना है। 1 प्रेस करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी आपको कॉल चलते चलते ही एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद कंप्यूटर बोलेगा योर आईडी इंफॉर्मेशन इज अपडेटेड सक्सेसफुली। यह सुनकर आपको कॉल डिस्कनेक्ट कर देना है और आपका एटीएम अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बिना बैंक जाए अपना अलराजी बैंक का एटीएम कार्ड अपडेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसी तरीके के और भी वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।